गाइस, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर। सो आई एम इन मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू कैन फाइंड नेचर, एडवेंचर, रिलीजियस प्लेसेस, शॉपिंग, वेरी गुड कैफेज, बेसिकली एवरीथिंग। ऑप्शन था कि मैं वीडियो में सबसे पहले आपको मुक्तेश्वर धाम लेके जाऊं, बट मैंने मुक्तेश्वर इंस्पेक्शन बंगलो आने का डिसाइड किया। द रीजन इज यू गेट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ऑल द पीक्स फ्रॉम हियर। वीडियो की शुरुआत में ये चीज दिखाना बहुत जरूरी था बिकॉज मुक्तेश्वर लोग आते हैं इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। वेदर इज नॉट वेरी क्लियर, क्लाउड्स है तो बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहा है, बट दिस इज द बेस्ट आई हैव गॉट टू सी इन द लास्ट वन मंथ। आई एम रियली हैप्पी। यू कैन सी त्रिशूल, पंचचोली, नंदा देवी एंड ऑल द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ पे इट्स ऑल रिटन, नंदा घुंटी, त्रिशूल, त्रिशूल पूर्व, नंदा देवी, देन नंदा देवी पूर्व, नंदा कोट एंड पंचचोली, ऑल दिस रेंज। क्योंकि ये एक गेस्ट हाउस है तो यहाँ पे आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो। बुकिंग बहुत इजीली नहीं मिलती है, यू हैव टू बुक इट ऑनलाइन। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू स्टे हियर, दैट इज जस्ट कम एंड लाइक चिल हियर फॉर वन एंड हाफ आवर्स और टू आवर्स। देयर इज अ कैंटीन, यू कैन ऑर्डर फॉर योर फूड, कॉफी एंड एंजॉय द व्यू। जा रहे हैं चौली की जाली, जो कि बहुत ही फेमस जगह है मुक्तेश्वर में। एंड चौली की जाली इज़ वेरी क्लोज टू मुक्तेश्वर टेम्पल और मुक्तेश्वर धाम। इनफैक्ट मुक्तेश्वर में मुक्तेश्वर धाम, ये इंस्पेक्शन बंगलो, चौली की जाली, ये सारी जगह बहुत ही ज़्यादा आसपास है। तो यू कैन पार्क योर कार समवेयर हियर एंड देन यू कैन जस्ट वॉक। After climbing hundreds of stairs, मैं पहुंच चुकी हूँ मुक्तेश्वर टेम्पल। इट्स ऑल्सो नोन एज मुक्तेश्वर धाम। यहाँ ऊपर पे ये मंदिर है। इट इज सेट टू बी 350 ईयर्स ओल्ड। ये जो मुक्तेश्वर धाम मंदिर है, ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर के 18 जो मेन मंदिर है इंडिया में, उनमें से एक है। चलते हैं अभी फिलहाल मंदिर के अंदर, दर्शन करके आते हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर टेम्पल के नाम पे ही मुक्तेश्वर का नाम मुक्तेश्वर पड़ा है। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि आप जब भी मुक्तेश्वर आओ, आपको इस मंदिर में डेफिनेटली आना चाहिए। और इस मंदिर को मुक्तेश्वर मंदिर क्यों बोलते हैं, उसकी भी एक कहानी है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पे किसी डेमन का वध किया था और उसको मुक्ति दी थी। दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड एज मुक्तेश्वर टेम्पल। ये वाला जो टेम्पल है, ये मेन टेम्पल है, इसके अंदर शिवलिंग है जो कि वाइट मार्बल से बना हुआ शिवलिंग है, और जो योनि है दैट इज़ मेड ऑफ कॉपर। ऐसा कहा जाता है कि पांडवर्स ऑल्सो केम टू दिस प्लेस ड्यूरिंग देयर एग्जाइल पीरियड। पांडवर्स मेड 5 केव्स हियर और उस 5 केव्स में बैठ के वो भगवान शिव की प्रार्थना करते थे। यहाँ से मंदिर के ऑपोजिट साइड पे देयर इज दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द एंटायर कुमाऊं वैली। इतना सुंदर व्यू है ना ये। से हम अभी जाएंगे दैट प्लेस, दैट लेयर्ड रॉक यू कैन सी, दैट्स कॉल्ड चौली की जाली।
मुक्तेश्वर मंदिर के अंदर से ही चौली की जाली का रास्ता जाता है, जो हमने वहाँ टॉप पे से देखा। आई वॉज गोइंग टू चौली की जाली एंड आई मेट अ फ्यू पीपल, दे आर माई सब्सक्राइबर्स। कहाँ से आए आप लोग? पुणे से। रानीखेत की वीडियो देखी थी, तो वो नॉर्थ का एक टूर करना था, तो दिल्ली आए थे काम के लिए, तो यहाँ आए देखने के। थैंक्स टू देसी गर्ल। थैंक यू, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाती हूँ मैं। थैंक यू, एंजॉय योर ट्रिप। यू टू। व्हेन आई मीट पीपल एंड व्हेन दे से कि आपकी वीडियो से हेल्प मिली एंड हम घूमने के लिए आए, जिंदगी बिल्कुल उस मोमेंट पे सफल लगती है मुझे अपनी। बड़ी खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे आके। दिस इज चौली की जाली, इसको चौथी जाली भी बोलते हैं। चौली मतलब रॉक, जाली मतलब छेद। सो अगर आप नीचे से देखोगे तो दीज रॉक्स विल लुक लाइक इट्स हैंगिंग, वैसे ये लेयर्ड है एक के ऊपर एक। यहाँ पे एक रॉक है जिसमें होल बना हुआ है, सो यू गाइस कैन सी अ होल वहाँ पे। सो शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत सारी औरतें हु हैव प्रॉब्लम इन कंसीविंग, दे क्रॉस दिस होल विथ अ बिलीव दैट गॉड विल ब्लेस देम विथ चाइल्ड। वैसे वो होल है तो बहुत ही छोटा सा, आई रियली वंडर हाउ डू वेमेन क्रॉस दैट। वहाँ पे एक त्रिशूल भी रखा है। कुमाऊँ वैली की एक कंप्लीट वैली की बहुत ही अच्छे से व्यू यहाँ पे आ रही है। तो ये जो चौली की जाली है ये मुक्तेश्वर मंदिर का एक हिस्सा है। यहाँ से नीचे इफ़ यू कैन सी दैट साइड, आई विश आई कुड जस्ट गिव यू अ क्लोज व्यू ऑफ दैट प्लेस। वहाँ पे एक जटा मंदिर है, जटा मंदिर के पास एक कुंड है। तो ऐसा कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन, जो कि मैंने आपको कहानी बताई कि वुमेन हु हैव प्रॉब्लम इन कंसीविंग दे कम हियर टू प्रे, तो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ से। सो वो जटा मंदिर के पास देर इज़ अ कुंड, उन औरतों को वहाँ उस कुंड में सबसे पहले स्नान करना होता है और मंदिर में एंट्री लेने के बाद वहाँ से एक ट्रैक है, ट्रैक का रास्ता समवेयर हियर, आई एम लिटिल स्केयर्ड टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो यहाँ से एक ट्रैक का रास्ता है, ट्रैक करके इस जगह पे वो आती है एंड देन दे क्रॉस दैट होल, और उस होल को क्रॉस करने के बाद देन कुछ धागा होता है जो कि वो मंदिर में जाके बांधती हैं। सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस मन्नत मांगने का। फिलहाल मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, यहाँ से नीचे यू कैन सी एंटायर कुमाऊँ वैली। थोड़ा रिस्की है ये, इट्स ऑलवेज गुड टू सी द प्लेस फ्रॉम फार, योर लाइफ इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी ऑफ द फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज। यहाँ पे आपको एक घर दिख रहा होगा, इट्स सॉर्ट ऑफ अ बंजर, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बट इसकी भी एक कहानी है। यहाँ से हम अभी IVR जाएंगे, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उससे ही जुड़ी हुई कुछ कहानी है इस जगह की। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे पुराने टाइम पे IVR के जितने सीनियर ऑफिशियल्स होते थे उनके घर हुआ करते थे, तो ये भी उनमें से किसी एक का घर है। वैसे अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है, इट्स लाइक मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड। और सबसे यूनिक बात इस घर की ये है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने में देर इज़ नो सीमेंट यूज्ड, ब्रिक नहीं है, रॉक से बनाई है। तो व्हाट दे डेड, रॉक को एक प्रॉपर फॉर्म में उन्होंने कट किया ब्रिक के जैसा, और सीमेंट की जगह उन्होंने उत्तराखंड की जो दाल है, लोकल दाल और आटा, उसको मिक्स करके उस रॉक के बीच में फिल किया। सेम लाइक हाउ वी डू सीमेंट से ब्रिक को कनेक्ट करके फिर हम घर बनाते, तो सेम वे रॉक के अंदर उन्होंने आटा और यहाँ की जो दालें होती है उसका पेस्ट बना के ये डाला, और ऐसे ही ये घर बनाई गई हैं। 150 years old, but फिर भी यहाँ पर एक damage नहीं है। And इस building से थोड़ा हट के this side, can you guys see this? ये जो tin वाला structure दिख रहा है, this used to be the toilets. So जो British यहाँ पर इन घरों में रहते थे उनके लिए वो toilets हैं, वो जो tin से covered है। और मैंने कौसानी में आपको कुली बेगार वाली एक story सुनाई थी, उस video में
तो कुली विहार यहाँ पे भी होता था। तो इस टॉयलेट में भी पहले मतलब फॉर्मेशन अच्छी नहीं थी टॉयलेट की, तो नीचे पॉट लगाते थे और वो पॉट जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको सर पे उठा के लेके जाना पड़ता था। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द कौसानी व्लॉग, यू गाइस कैन वॉच इट, आई एम गोना लिंक इट समवेयर हियर। एंड दिस इज अगेन द व्यू ऑफ द वैली। यहाँ से चलते हैं अभी हम IVR। गर्मा गर्म राजमा चावल, कढ़ी चावल, भाटकी चुड़कानी, लोकल डिश, ताजा आजा खाजा, ये गर्मा गर्म। ये बन रही है राजमा, बिल्कुल राजमा बन रहे हैं। ये लोकल की दाल बहुत हम लोग बनाते हैं। तो जब मैं मंदिर में एंटर कर रही थी ना, मैंने यहाँ पे बहुत सारी दुकानें देखी, तब मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, अब आ रहा है। बिकॉज इस मंदिर से अंदर हाइक है तो उसके बाद आपको भूख लगेगी, तो एग्जिट के टाइम पे यू कैन स्टॉप एट दीज प्लेसेस। ये मंदिर के बिल्कुल सामने ही है एंड यू कैन हैव ऑल द लोकल डेलिकेसीज, राजमा चावल, भटकी दाल, भटकी चुड़कानी बोलते हैं ना, हाँ जी हाँ, जोई कड़ी। कैसे दिया भैया, मौसम में है ये? ये माल्टा है मैम। माल्टा लोकल का है, नींबू और संतरे का मिक्स ब्रीड होता है ये, थोड़ा सा खट्टा होता है, उसके लिए थोड़ा सा हम इसमें कुटी हुई चीनी डालते हैं। मैं इसको पीने के बाद बेहोश हो गई, तो पता नहीं, आई एम रियली एलर्जिक टू लेमन एंड संतरे। खट्टा है बहुत ज्यादा, बहुत मीठा डाला है, और डालो और। आई डोंट थिंक सो दिस इज समथिंग आई कैन कंज्यूम, मैं बिल्कुल खट्टा नहीं खा सकती। देयर इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रूट हियर, ये टमाटर जैसा दिख रहा है, क्या है भैया ये? ये काकू फल है, का मतलब ही नहीं है, टेस्ट करिए आप पहले। क्या होता है यूजुअली मैं लेमन या संतरा कुछ भी खाती हूँ, आई स्टार्ट स्नीजिंग, सर्दी हो जाती है मुझे। सो दिस इज काकू फ्रूट, सो टेस्टी, टेक इट अ केजी फ्रॉम यू। सो जब आप यहाँ पे मुक्तेश्वर धाम आओगे मंदिर दर्शन करने, गोविंद भैया से यहाँ काकू फ्रूट लेके जरूर जाना, और इधर गोपाल भैया उनसे माल्टा का जूस पी के जाना, और राजमा चावल जरूर से खा के जाना। IVR, Indian Veterinary Research Institute, a very famous place in Mukteshwar. In fact, Mukteshwar ko pehle sirf temples ke liye jana jata tha till 1893, but uske baad ye research institute yahan pe bana, aur ye Asia ka second biggest research institute hai. Filhal ye place band hai for people, like no one is allowed inside because there is some COVID research and all going on inside. To main jana bhi nahi chahungi, wahan pe COVID ka test bhi hota hai andar. So, ये प्लेस हम छोड़ देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए एंड यहाँ से निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। IVR से थोड़ा आगे आई हूँ मैं अभी चल के, फिलहाल आई एम गोइंग टू अ हैंडीक्राफ्ट स्टोर हियर। कलमोरा शॉप इज बेसिकली हैंडीक्राफ्ट स्टोर जो कि KGU का पार्ट है, कुमाऊ ग्रामीण उद्योग, और यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू शॉप फ्रॉम दिस स्टोर। Like Aladdin ka khajana. There are so many things. So that side was the woolen section. Is wale side pe there are jackets, coats, shawl, and also here some edible stuff, jam, चटनी। ये वीविंग मटेरियल हम लोग फाइव इंडिया को सप्लाई देते हैं, जयपुर ऑनलाइन, आई टोकरी, अनोखी जयपुर। तो ये रेडी में जो शॉल जो जाती है ये फाइव इंडिया में जो मिलती है वही है? जी जी जी। अच्छा 1750 जो आप बोल रहे हो ये आपका स्टार्टिंग रेंज इतने से ही? So all the money that they earn by selling these handicraft items to go towards the school. So they have a school and also a hospital. So ये सारे पैसे जो है school और hospital को support करने के लिए जाते हैं. So this is like a very good cause. This is a plum jam. This is a very calm की चीज़ for me. I think even this one looks pretty. I literally feel like picking up everything from this place. I've chosen these in blue, with the cap in green. Is all my shopping. Shopping always makes me happy. Chocolate खाने का बहुत मन हो रहा है। मैं आई हूँ एक
चॉकलेट के शॉप में। इस शॉप का नाम है चोको हाउस चॉकलेटियर। यहाँ पे जो चॉकलेट्स बनती हैं दैट्स शुगर फ्री एंड दैट्स समथिंग आई वुड सर्टेनली प्रेफर एंड द चॉकलेट्स आर लाइक गुड फॉर 6 months यू कैन स्टोर देम। This is hazelnut chocolate for 270 rupees. यहाँ की सबसे अच्छी चॉकलेट है ये। Having this chocolate muffin और बहुत सारे चॉकलेट मैं यहाँ से पैक करके लेके जाऊंगी। One of those rare moments when you see Desi Girl Traveler eating anything other than Maggie and पहाड़ों वाली चाय। So I have got this Indian spices, then choco crunchies, then I have hazelnut here. And then this is again caramel chocolate. This is brownie. So many things I have bought. A long and tiring day. Tiring to nahi bol sakti. I had fun visiting all the places and shooting the vlog. So main pahunch chuki hu apne resort pe wapas se Oak Climbing Resort. Yahan se bhi view itna zyada pyara hai na. To aaj chal ke dekh lete hain. I've already given you guys a tour of this place. कभी भी मुक्तेश्वर आओ तो यू कैन कंसीडर दिस प्लेस फॉर योर स्टे। और मैं जा रही हूँ फिलहाल अपनी चाय बनाने के लिए खुद से बिकॉज आई एम रियली क्रेविंग फॉर माय ओन स्टाइल ऑफ टी। आप सीसीटीवी की निगरानी में हो। मैं अपनी चाय बनाने आई हूँ। भैया कुछ मस्त वाले पराठे बना रहे हैं ये। भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ आदित्य भैया की हालत देखो। पूरे दिन फोटो खींच खींच के थक गए बेचारे। तलवार है यार किचन में। इससे अदरक काट लेती हूँ मैं। ये रहा मेरा कॉफी मग, अदरक वाली चाय। In the evening, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मैं पता नहीं क्यों स्वेटर क्यों नहीं पहनी हूँ। I took a nap in the evening. I feel little fresh now. I have asked these guys to arrange some bonfire and barbecue for me. By the way, guys, this place looks absolutely stunning at night. I'm going to enjoy my barbecue and the bonfire and I will see you guys in the next vlog. Until then, take care.